माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, सीएलटी में, उन सभी क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं। एंड दोस्तों, यह सीरीज नंबर 59 है। और दोस्तों, यदि आप इन सभी एग्जाम्स का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो सभी वीडियोज सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। उन सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि खेल मनोविज्ञानी भरोसा, सम्मान और विश्वसनीयता कैसे हासिल कर सकता है? कैसे हासिल कर सकता है दोस्तों एक खेल मनोवैज्ञानिक भरोसा, सम्मान और विश्वसनीयता? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गोपनीयता की सीमा स्थापित करके, कर्तव्य स्पष्ट करके और समय सीमा स्वीकार करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के कौशल की बढ़ोतरी के सभी स्तरों पर खेलों तथा शारीरिक क्रियाओं में लागू होने का अध्ययन है, यह कथन है। तो दोस्तों, इस कथन को कहा है जॉन लाउथर ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, सभी के परिभाषा भी आपके याद करने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है क्या? मनो और भौतिक, मनो से मन, भौतिक से शरीर, ठीक है। यानी कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव के लक्षणों को राहत देने के लिए निम्न में से कौन से तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, स्वतः जात प्रशिक्षण, यानी कि ऑटोजेनिक ट्रेनिंग। ऑटोजेनिक ट्रेनिंग यानी स्वतः जात प्रशिक्षण तनाव से राहत देने की एक तकनीक है, जिसे सर्वप्रथम जर्मनी के मनोवैज्ञानिक जोहान्स हेनरिक शुल्त्ज़ ने विकसित किया। यह तकनीक पहली बार 1932 में विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, अंतर्मुखी वाले स्वयं में रुचि रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्वयं में रुचि रखते हैं, यानी वे स्वयं का प्रतिचित्रण पसंद करते हैं, विभिन्न विचारों का विश्लेषण करते हैं तथा वे सामाजिक गतिविधियों के स्थान पर एकांत गतिविधियां पसंद करते हैं। और बहिर्मुखी इसके विपरीत होते हैं, वे सामाजिक गतिविधियां करना ज्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइको का अर्थ है, जैसा कि दोस्तों साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको और लोगस। साइको का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है विज्ञान, ठीक है। आत्मा का विज्ञान साइकोलॉजी को समझा जाता था पहले, अब वर्तमान में चेंज हो गया है, या व्यवहार का विज्ञान समझा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे साइको का अर्थ है आत्मा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिगमंड फ्रॉयड को निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का पिता कहा जाता है? तो सिगमंड फ्रॉयड को किसका पिता कहा जाता है? मनोविश्लेषण का सिद्धांत का पिता इनको कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने भीड़ व्यवहार का आधार चेतन तथा अचेतन इच्छाओं को माना है। उनके अनुसार मन यानी माइंड के तीन भाग हैं, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, यानी इद, ईगो, सुपर ईगो। फ्रॉयड ने भीड़ व्यवहार के बारे में अपनी उक्त विचारों को अपनी पुस्तक ग्रुप साइकोलॉजी एंड द एनालिसिस ऑफ द ईगो के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कारण हैं जो शारीरिक दक्षता को प्रभावित करते हैं? शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल फिटनेस को प्रभावित करते हैं कौन से कारक हैं? ऑप्शन है शारीरिक बनावट कारण, ये तो करता ही है, शारीरिक क्रिया कारण, ये भी करता है, मनोवैज्ञानिक कारण, ये भी करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक रूप से हर परिस्थिति में स्थिरता से सोचना, महसूस करना और व्यवहार करना मनुष्य का कौन सा गुण कहलाता है? तो दोस्तों यह व्यक्तित्व कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तित्व के व्यवहार, अनुभूति और भावनात्मक पैटर्न के विशिष्ट सेट के रूप में परिभाषित किया गया है जो जैविक और पर्यावरणीय कारकों से विकसित होता है, यानी अनुवांशिकता और वातावरण से विकसित होता है व्यक्तित्व। तुलनात्मक रूप से हर परिस्थिति में स्थिरता से सोचना, महसूस करना, व्यवहार करना मनुष्य का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का स्वरूप होते हुए भी एथलीट में अन्य संबद्ध कारक होते हैं। सर्वोत्तम कार्य निष्पादन तब होगा जब चिंता का स्तर होता है। तो दोस्तों चिंता होना चाहिए, मतलब चिंता नहीं, चिंतन होना चाहिए किसी चीज का, तो यहाँ पे मध्यम स्तर का चिंतन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों चिंता का अभिप्राय मस्तिष्क की विचलित अवस्था से है जिसमें भावनात्मक प्रतिक्रिया, नर्वस होना, उत्तेजना तथा मस्तिष्क में अवास्तविक और अप्रसन्नता पूर्वक पूर्ण अवस्था उत्पन्न होना सम्मिलित होता है। चिंता किसी भी प्रतियोगात्मक स्थिति का आवश्यक भाग है, क्योंकि चिंता के एक निश्चित स्तर तक उत्पन्न हुए बिना किसी प्रतियोगात्मक प्रतिस्पर्धा में प्रदर्शन करना संभव नहीं है। चिंता का न तो बहुत अधिक और न ही बहुत कम स्तर प्रतियोगिता के लिए आवश्यक होता है, अर्थात मध्यम स्तर की चिंता किसी भी प्रतियोगिता के लिए उचित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य अत्यंत प्रभावी होता है जब कब प्रभावित होता है अत्यंत? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जब स्वयं के लक्ष्यों को प्राप्ति योग्य और यथार्थवादी हम मानते हैं तभी लक्ष्य अत्यंत प्रभावशाली होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि प्रेरणा किससे संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उपलब्धि प्रेरणा व्यक्ति के आवश्यकता अनुसार होता है, क्योंकि दोस्तों अर्थात सभी व्यक्तियों में उपलब्धि की अभिप्रेरणा समान स्तर की नहीं होती। दोस्तों आप कुछ और उपलब्ध करना चाहते हैं, वो कुछ और उपलब्ध करना चाहते हैं, सबकी अपनी अपनी आवश्यकता है, तो सभी अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार उपलब्धि प्रेरणा होती है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रेरणा के स्तर में भी वैयक्तिक भिन्नता होती है। उपलब्धि अभिप्रेरणा के विकास में जन्म, कर्म, लिंग भेद, परिवार में लड़के और लड़कियों की संख्या, वितरण, प्रतिरूप आदि का स्थान महत्वपूर्ण है। अर्जित या समाज जनित अभिप्रेरकों के अंतर्गत आने वाले अभिप्रेरकों में उपलब्धि अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरणा को निम्न में से किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि किसी स्पर्धात्मक स्थिति में पहुंचने अथवा उससे दूर रहने हेतु खिलाड़ी की पूर्वानुकूलता ही उपलब्धि अभिप्रेरणा के रूप में परिभाषित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा में स्थिति परक कारक है, स्थिति परक यानी कि वातावरण परक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नेतृत्व शैली। जैसा कि नेतृत्व शैली द्वारा व्यक्तियों को अभिप्रेरित किया जा सकता है, स्थिति परक ऐसे प्रभाव है जो व्यक्ति को भीतर से नहीं बल्कि परिवेश एवं आसपास के अन्य स्थानों से प्राप्त होते हैं। परिवेश, स्कूल, आसपास के लोग तथा कार्य व नेतृत्व जैसे शैली स्थिति परक कारक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूथ ई ग्रोट ने स्वास्थ्य शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं सुझाया है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने व्यक्तियों को प्रेरित करना नहीं सुझाया है। उसके अलावा मानवीय संबंधों में सुधार, स्वास्थ्य के संदर्भ में सामाजिक उत्तरदायित्व, आर्थिक बचत के संदर्भ में स्वास्थ्य के तथ्य तथा सिद्धांतों का उपयोग इन्होंने सुझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह परिभाषा किसने दी है कि मनोविज्ञान मनुष्य और अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो इस परिभाषा को दिया है क्रुक्स और स्टेन ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से आमतौर पर किस आयु का पता लगाया जाता है। तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से मानसिक आयु का पता लगाया जाता है। जैसा कि दोस्तों मानसिक आयु को पहली बार फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक द्वारा परिभाषित किया गया था, अल्फ्रेड बीने, जिन्होंने वर्ष 1905 में बुद्धि परीक्षण शुरू किया। यानी कि दोस्तों सबसे पहले मनोवैज्ञानिक बुद्धि परीक्षण को किसने किया, 1905 में अल्फ्रेड बीने ने किया। और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से आमतौर पर मानसिक आयु का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंसर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है। तो दोस्तों स्पेंसर ने व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किस किस भागों में? सैद्धांतिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक एवं कलात्मक, ये 6 भागों में व्यक्तित्व को बांटा है इस हर्बर्ट स्पेंसर ने। यह क्वेश्चन दोस्तों एलटी ग्रेड 2018 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों का एक अस्थायी समूहीकरण जो एक आम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करते हैं, वो कौन से समूह से संबंधित है दोस्तों? तो यह टास्क समूह से संबंधित है। यानी कि व्यक्तियों का, कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का एक अस्थायी समूहीकरण, अस्थायी शब्द लगा हुआ है समूहीकरण, जिसमें वो किसी आम उद्देश्य या आम सामान्य उद्देश्य के प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करते हैं। इस समूह को टास्क समूह के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों खेल मनोविज्ञान के पिता कोलमैन ग्रिफिथ को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है। तो इसमें से आप जब वाह्य अभिप्रेरणा पहचान लेंगे हम, तो कृत्रिम अभिप्रेरणा अपने आप पहचान लेंगे, या कृत्रिम अभिप्रेरणा वाह्य अभिप्रेरणा दोनों को आपको समझ में आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे लेंगे दोस्तों। तो कौन इसमें कृत्रिम अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है? जैसे कि प्रशंसा, भर्त्सना, पुरस्कार एवं दंड, प्रभाव का नियम, ये सभी आप वाह्य अभिप्रेरणा यानी कृत्रिम अभिप्रेरणा से रिलेटेड है, जबकि सहज क्रियाएं वो आंतरिक अभिप्रेरणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का सुदृढ़ीकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों यह सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सुदृढ़ीकरण सिद्धांत दिया है स्किनर ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि अभिप्रेरणा का सुदृढ़ीकरण सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया, अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जाएं अथवा आवश्यकताएं उसके वातावरण के विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती है। अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत उसके प्रवर्तक के बारे में बता रही हूँ। जैसे कि अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया है, इसके प्रवर्तक कौन है? तो मैकडूगल। अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत किसने दिया है? तो अब्राहम मैस्लो ने। अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता सिद्धांत किसने दिया है? क्लार्क लियोनार्ड हल ने। अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रॉयड ने। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की अभिप्रेरणा का सिखलाई में अधिक प्रभाव है। तो दोस्तों आंतरिक अभिप्रेरणा का ऑप्शन नंबर ए का सिखलाई में अधिक महत्व है, अधिक प्रभाव होता है। आमतौर पर दोस्तों अंतः प्रेरणा का अर्थ प्राकृतिक व प्रदत्त प्रेरणा है। यह अंदर की तीव्र उत्कंठा है, एक अंतर्मन की प्यास है या प्रदत्त शौक है जिससे मजबूत होकर एथलीट गतिविधि शुरू करता है तथा बरकरार करता है रखता है। आंतरिक अभिप्रेरणा का सिखलाई में अधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप एक घोड़े को पानी में ले जा सकते हैं परंतु उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यह संबंधित है सीखने के किस नियम से दोस्तों? तो यह सीखने के प्रभाव के नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि हम घोड़े को पानी में तो ले जा सकते हैं परंतु उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यह कथन प्रभाव के नियम से संबंधित, इस नियम का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। इनके अनुसार प्रायः हम उस कार्य को ज्यादा अच्छे से करना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है तथा जिससे हमें सुख एवं संतोष मिलता है। यदि हमें किसी कार्य को करने या सीखने में कष्ट होता है तो उस क्रिया को नहीं दोहराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत कैरेट एवं स्टिक यानी पुरस्कार और दंड उपागम का अर्थ है। दोस्तों यहाँ पे कैरेट एंड स्टिक कोष्टक में पुरस्कार एवं दंड तो लिखा हुआ है बट कभी नहीं लिखेगा, सिर्फ कैरेट एंड स्टिक सिद्धांत पूछेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ कैरेट और स्टिक का अर्थ होगा पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत और इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों कि किसी घोड़े के सामने एक गाजर लटकाना तथा पीछे से मारना, यानी एक तरफ से पुरस्कार भी दे रहे हैं एक तरफ से दंड भी दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत कैरेट और स्टिक यानी पुरस्कार और दंड प्रभाव के नियम का उपागम है। यानी किसी घोड़े के सामने एक गाजर लटका रहे हैं पीछे से मार रहे हैं, यह भी प्रभाव के नियम के अंतर्गत आएगा। यदि किसी घोड़े की इच्छा नहीं है तो वह घोड़ा गाजर नहीं खाएगा और उसके मारने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह प्रभाव का भाव प्रक्रिया के परिणाम पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड फिलोसॉफी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसका सेशन आज समाप्त होता है एंड नेक्स्ट सेशन में दोस्तों ओलंपिक अभियान से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में टॉपिक वाइज बताऊंगी। तो दोस्तों आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे मैं आपके लिए डेली बेसिस पे वीडियोज बनाती रहूं। एंड दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे जो मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।